हजरत अली के घर में सबने रोजा रखा, साथ में सुनना और बोलना भी, हजरत अली के घर में सबने रोजा रखा। आपको मालूम है रोजा रखा हो, हजरत अली ने रोजा रखा, फातिमा ने रोजा रखा, अरे वो मासूम बच्चे अभी उम्र कम है, हजरत हसन ने रोजा रखा, अरे उम्र कम है, हजरत हुसैन ने, वहां बच्चे भी रोजा रखते हैं, बड़े भी रोजा रखते हैं, सबने रोजा रखा। मगरिब का वक्त होने वाला है मेरे दोस्तों, अजान होने वाली है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, सबके सब मुसल्ले पे अल्लाह के सामने रोते, वो घर कैसा होगा जहां बच्चा भी अल्लाह के सामने रोता होगा। हजरत हसन भी अल्लाह के सामने रोते, हजरत हुसैन रोते, फातिमा रोती, हजरत अली रोते, लेकिन जब मगरिब का वक्त होने लगा तो हजरत फातिमा ने अपनी दुआ को खत्म किया और अंदर गई और चार रोटी, घर में इससे ज्यादा अनाज नहीं है मेरे प्यारो। वो हमारा घर कैसा है, उनका घर कैसा था, हजरत फातिमा के घर में कितनी रोटियां हैं, चार रोटी। वो हजरत फातिमा ने अपने मुबारक हाथों में चार रोटी लाई, सुनना, पहली रोटी हजरत अली के सामने रखी, मेरे शोहर है ना, सबसे पहली रोटी हजरत अली के सामने रखी, फिर बड़े बेटे के सामने एक रोटी रखी, फिर छोटे बेटे हजरत हुसैन के सामने रोटी रखी, और एक रोटी हजरत फातिमा ने अपने सामने रखी। वहां मस्जिद नबवी में अजान हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे इफ्तारी का वक्त हो गया, सबने अपनी अपनी रोटी को खाया, मालूम नहीं है घर में सहरी में क्या मिला होगा नहीं मिला होगा, सबने रोटी खाई, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम वो फातिमा थी जिन्होंने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांधना शुरू कर दिया। हजरत अली ने देखा, कहा फातिमा तुझे भूख नहीं लगी, अरे एक ही तो रोटी है उसमें भी आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही। वो दोनों मासूम बच्चे कहते, अम्मा अम्मा क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, वो आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांधी। मेरे दोस्तों हम कयामत में क्या जवाब देंगे, हजरत फातिमा ने आधी रोटी दुपट्टे से बांधी और कहा हो सकता मेरे अब्बा को इफ्तार में कुछ नहीं मिला होगा, हो सकता है मेरे अब्बा को इफ्तार में कुछ नहीं मिला होगा, वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ खाया नहीं होगा। अरे मेरे दोस्तों वो फातिमा घर से चली है, वो दुपट्टा ओढ़े हुए चली है, दुपट्टे में आधी रोटी को बांध कर चली है। हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ा के आ रहे, हजरत फातिमा दरवाजे पर है, हमारे नबी ताज्जुब से पूछते फातिमा अनबाब ये फातिमा अभी दरवाजे पर क्यों खड़ी। हजरत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे अंदर तो लेके चले। जब अंदर गए हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे, कहा अब्बा इफ्तार करती थी रोटी खाई, आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया नहीं होगा, आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर लाई हो। जब हजरत फातिमा ने वो आधी रोटी खोली है, हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, कहा फातिमा अच्छा हुआ तू रोटी लेकर आई, वरना चौथी रात भी मेरी इसी हालत में निकल जाती, मेरी चौथी रात भी इसी हालत में निकल जाती, अच्छा हुआ तू रोटी लेकर आई। मेरे दोस्तों वो घड़ी कैसी नाजुक घड़ी होगी, अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी, फातिमा ने कहा अब्बा जान आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। अरे मेरे दोस्तों वो फातिमा का हाथ था, थोड़े थोड़े टुकड़े करके हमारे नबी के मुंह मुबारक में रखती। जब रोटी खत्म हो गई हजरत फातिमा रोने लगी, हमारे नबी ने पूछा अब क्यों रोती है, कहा अब्बा जान कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल आपको कौन खिलाने आएगा, कल क्या मेरे घर में चूल्हा जलेगा, कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा। अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी ने अपना कांपता हुआ मुबारक हाथ फातिमा के सर पे रखा और कितने प्यार से फरमाया, इस मेरी या फातिमा, ए फातिमा तू भी सबर कर ले, मैं भी सबर करूंगा, हमारे सबर की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मती को माफ कर देगा, हमारे सबर की बरकत से, हमारे सबर की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मती को माफ करेगा। ये हम वो गुनहगार उम्मती है, नबी हमारे वास्ते भूखे रहे, फातिमा हमारे वास्ते भूखी रही, और आज हमारी माँ बहनों को फातिमा का दुपट्टा नहीं पसंद आया, अरे हमको नबी का चेहरा नहीं पसंद आया, हमको नबी का कपड़ा नहीं पसंद आया, अरे वो माँ बाप, अरे वो औरतें कितनी गद्दार होगी जिसको फातिमा के दुपट्टे से कोई मोहब्बत नहीं रही। मेरे प्यारो आज ईमान से अपना फैसला करो, कयामत में मैं और आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे।